Hey guys, my name is Perry Goswal and तुम लोग याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोग ने स्टील किया था वेनम का सुपर सूट। सो सूट को स्टील करने के बाद यार मेरे को पता चला कि यार GTA 5 में केवल वेनम ही नहीं बल्कि उसका जो सबसे खतरनाक विलेन होता है कार्नेज वो भी लॉस सैंटोस की सड़कों में ऐसे इधर उधर घूम रहा है। तो यार मैंने सोचा यार वेनम तक हम लोग क्यों रुके, सीधा यार कार्नेज का भी हम लोग सुपर सूट चुराते हैं एंड आज हम लोग कार्नेज बनते हैं। सो यस, आज हम लोग यही करने वाले हैं। अपुन आ चुका है कार्नेज को नंगा करने के लिए एंड मेरे सूत्रों ने मेरे को लोकेशन दी है, बोला है इधर ही यहीं कहीं पे कार्नेज ऐसे घूम रहा है एंड ओके वहाँ पे एक लाल ड्रेस पहना हुआ आदमी है तो यार यही कार्नेज है क्या? थोड़ा पास जाके देखते हैं एंड ओ माय गॉड यार गाइस एक्चुअली यार यही कार्नेज है एंड आई थिंक यार ये इस बंदे से बात कर रहा है क्या, पता नहीं यार। जो भी है चलो हम लोग ऐसा करते हैं इस खंबे के पीछे छुप जाते हैं एंड इस कार्नेज की बातें सुनते हैं। अरे भैया आप कार्नेज हो ना? कार्नेज हां लौंडे हां हम कार्नेज हैं, बताओ क्या हो गया? अरे कार्नेज पाजी बहुत कुछ हो गया, आपको देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। कार्नेज पाजी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जब से आपको सिनेमा में देखा है मैं तो आपका फैन हो गया रे बाबा। कार्नेज भैया मेरी छाती पे ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। हाँ लौंडे देंगे देंगे ऑटोग्राफ देंगे, पहले तुम ये बताओ यार ये जो चमचमाती हुई गाड़ी है ये तुम्हारी है क्या? अरे हाँ कार्नेज भैया हमारी है, कल ही पापा को गिरवी रख के लाए हैं ये वाली लैम्बोर्गिनी शियान है, पूरी दुनिया में केवल ऐसी दो है। अच्छा अच्छा पूरी दुनिया में ऐसी दो है, अरे वाह भाई लौंडे बड़ी अच्छी है यार ये गाड़ी तो। अच्छा लौंडे हम जरा अंदर बैठ के देख ले, हमने आज तक क्या है ना कभी लैम्बोर्गिनी पास इतने पास से देखी नहीं, हमको बहुत अच्छी लगती है। अरे अरे देखो यार कार्नेज भैया आराम से अंदर बैठ के देखो, जितना देखना उतना देखो कार्नेज भैया। अरे हाँ हाँ जरूर लौंडे देखते हैं जरा गाड़ी देखते हैं अंदर बैठ के। अरे वाह भाई वाह गाड़ी तो काफी अच्छी है, अंदर से तो काफी सुंदर है। अरे है ना बढ़िया कार्नेज भैया? हाँ हाँ बहुत अच्छी है। कार्नेज भैया गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहाँ क्या ले जा रहे हैं लौंडे, तुम्हारी गाड़ी चोरी करके ले जा रहे हैं हम। क्या कर रहा हूँ मेरी गाड़ी चोरी कर ली? अबे कार्नेज रुक बे। हाँ जैसे तुम बोलोगे और हम रुक ही जाएंगे। कितना बेवकूफ आदमी था, हमको अपनी गाड़ी बैठने दिया, हम तो अब इसकी गाड़ी ले जाएगी, लेट्स गो। ओहो गाइस यार ये कार्नेज तो बड़ा खतरनाक आदमी है यार, दिन दहाड़े गाड़ी चोरी करके भाग गया उस आदमी की, अपने फैन को बेवकूफ बना गया। लेकिन ये गया क्या यार, अपने को भी चोरी करना यार उसका सुपर सूट, आखिर गया कहाँ? एंड ओके गाइस आई थिंक यार वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है उसकी, वहीं पे खड़ा हुआ है। ऐसा करते हैं दोस्तों जल्दी से यार हम लोग भी गड्डी लेते हैं, इसकी चोरी कर लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। ला 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 आराम से बैठ जाए एंड ऑल राइट अब चलो यार कार्नेज का पीछा करते हैं, देखते हैं यार ये कार्नेज जा तक आए। जैसे ही यार ये थोड़ा शांति वाले एरिया में जाएगा ना तभी हम लोग इसको जकड़ लेंगे पकड़ लेंगे एंड फिर इसको नंगा करके इसका सुपर सूट चुरा लेंगे। सो यार चलो गाइस यार इसका पीछा करते रहते हैं हम लोग एंड हाँ बाय द वे गाइस जब तक मैं इसका पीछा कर रहा हूँ गाइस अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर कर दो, इस टाइप की मस्त वीडियोस में अपलोड करते रहता हूँ एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक भी कर देना एंड यार चलो इसका पीछा करते रहते हैं। ऑल राइट गाइस पता नहीं यार ये कार्नेज का बच्चा कितनी तेज गाड़ी चलाता है यार, इतनी तेज इस बंदे ने गाड़ी चलाई कि एकदम गायब ही हो गया यार, पता नहीं मिल ही नहीं रहा है। एंड ओके गाइस यार वहाँ पे देखो पुलिस खड़ी हुई है, ये काय को पुलिस इधर खड़ी है, इतनी सारी पुलिस फोर्स इधर क्या कर रही है? एंड ओ माय गॉड गाइस वो देखो यार आई थिंक वहीं पे वो लैम्बो खड़ी है जो कि अभी कार्नेज ने चुराई थी, एक सेकंड जरा पास जाके देखती है। एंड यस यार ये तो वही लैम्बोर्गिनी सियान है, ये यहाँ पे है, इसका मतलब कार्नेज यहीं कहीं होगा। ए तुम जो भी हो तुम्हें आखिरी वार्निंग दी जाती है, चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके बाहर निकल आओ, बैंक लूटना बंद कर दो नहीं तो बता रहे तुमको गोलियों से भून डालेंगे। बैंक लूटना बंद करो इसका मतलब यार कार्नेज क्या बैंक लूट रहा है क्या? अरे हाँ वो देखो यार वो खड़ा हुआ है कार्नेज, बैंक के अंदर ही खड़ा है तो इसका मतलब यार ये कार्नेज नॉटी बॉय, एक भोले भाले व्यक्ति की गाड़ी चुराने के बाद यहाँ पे अब बैंक लूटने आया है यार, बड़ा खतरनाक है यार कार्नेज का बच्चा। खैर चलो यहीं पे हम लोग बैठते हैं, देखते हैं पुलिस वाले पकड़ पाते हैं इस कार्नेज को कि नहीं। मैडम जी सच्ची सच्ची बता दो आपके बैंक में और पैसा तो नहीं है? नहीं लाल कटप्पा हमारे बैंक में और पैसे नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, जितने भी पैसे थे वो आपने हमसे ले लिए, प्लीज अब मुझे जाने दो यहाँ से। अरे आपको जाने की जरूरत नहीं मैं खुद ही चला जाऊंगा। ओए चड्डी गैंग्स सारे पैसे ले लिए ना? हाँ बॉस ले लिए, देखो ब्रीफ केस में हम लोग ने पूरे बैंक के पैसे रख लिए हैं, तुम लोग यहीं पे रहना अंदर रहना, जब मैं इशारा दूँ तब आना मेरे पीछे पीछे। हाँ ठीक है बॉस। हाँ ठीक है तब तक जरा हम इस पुलिस वालों से डील कर ले। ओए पुलिस वालों काहे को पटर पटर चिल्ला रहे हो क्या हो गया? अरे तुम तो कार्नेज हो, अच्छा तो तुम यहाँ पे बैंक लूट रहे हो, सो कार्नेज अपने कान खोल के सुन लो, चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके हमारी गाड़ी में बैठ जाओ और हमारे साथ जेल चलो नहीं तो शाले भून दिए जाओगे। मेरे को भूनोगे तुम लोग चुन्ने मुन्ने पुलिस वालों मेरे को भूनोगे? मेरे को तुम लोग ने समझ के लिया है, अभी रुको तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। ये लो मैंने निकाली अपनी मिनी गन और अब इस मिनी गन से तुम सबको पेलूंगा, छो 3 2 1 ये लो सबको मारूंगा। अरे भैया हमको मत मारो, अरे भैया मार डाला रे बाबा।
है नहीं तो मुझसे पंगा ले रहे थे पागल पुलिस वाले। सबको भून दिया। ओए नौकरों निकल आओ, बाहर निकल आओ। हाँ बॉस आ रहे आ रहे। हाँ चलो बच्चों अब यहाँ से भागा जाए। लाओ मैं अपनी लैम्बो में बैठता हूँ, तुम लोग भी आओ बैठ जाओ। हाँ बॉस बैठते बैठते हम बैठेंगे। अरे भैया हमें भी बैठा लो। अरे किसको किसको बैठाऊ यार, एक ही बंदे की जगह है। तुम लोग ऐसा है पीछे पीछे दौड़ के आओ, फटाफट मेरे पीछे पीछे आओ। बैंक लूट लिया है, अब तो फुल एंजॉयमेंट करने का समय है। लेट्स गो दोस्तों। हाँ बॉस चलो। ओहो गाइस यार ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब क्या हुआ मेरी आंखों के सामने। लिटरली इस कार्नेज ने इन मासूम पुलिस वालों को निपटा डाला, किसी को नहीं छोड़ा, सारे पुलिस वालों को मार दिया। यार यार ये बड़ा खतरनाक है कसम से कार्नेज। पता नहीं यार हम लोग इससे सूट कैसे स्टील करेंगे, बट यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो गाइस चले यार फिर से यार इस कार्नेज का पीछा करते हैं एंड देखते हैं अभी ये अपनी गाड़ी कहाँ रुकता है। सो यार लेट्स गो, फिर से इस कार्नेज का पीछा करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, यार कार्नेज का काफी देर से मैं पीछा कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे रुका है कार्नेज। एंड ओके ये तो काफी ज्यादा बड़ा बंगला है, अब यहाँ पे भी ये डाका बाका डालने आए क्या, पता नहीं यार जो भी है। इसकी गड्डी तो यहीं पे खड़ी है, सो इसी बंगले के अंदर होना चाहिए कार्नेज का बच्चा। सो गाइस चलो चलते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे आई थिंक यार वही जो लुटेरे लोग नहीं थे उनमें से एक लुटेरा यहाँ पे एक गन लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है। आई थिंक यार यहाँ की ये सिक्योरिटी विक्योरिटी कर रहा है। सो हम लोग को सबसे पहले इसको टरकाना पड़ेगा। सो ओ माय गॉड यार ये क्या गाड़ी है, ये तो लैम्बोर्गिनी है, कितनी अच्छी है। ए लौंडे कहाँ घुसे चले आ रहे हो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तुम्हारे पिताजी की नहीं है, यहाँ से दूर हो जाओ, अगर गाड़ी में एक स्क्रैच भी आया तो तुम्हें पेल देंगे। अरे अरे भाई साहब यार गुस्सा क्यों होते हो यार फालतू में, मैं तो बस यार ऐसे इस गाड़ी को जरा देख रहा था, आप तो यार फालतू में गुस्सा होने लगते हो। ये लो अरे भैया पेल दिया। गाइस चलो यार अब जल्दी से अंदर चलते हैं कार्नेज के पास एंड उसको यार जल्दी नंगा करते हैं, यार बहुत देर से इसका पीछा ही कर रहे हैं। मेरे को यार उसका जल्दी सुपर सूट चाहिए जल्दी से जल्दी से। यार चलो ढूंढते हैं यहीं कहीं पे कार्नेज होना चाहिए। किधर है यार ये कार्नेज का बच्चा एंड ओके गाइस मिल गया कार्नेज, वो देखो वहाँ पे बैठा हुआ है। एंड वो देखो यार वो रहे चड्डी गैंग वाले इसके गुंडे, एंड ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, जो भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा खतरनाक कर रहे हैं। खैर चलो गाइस यार थोड़ा पास और जाते हैं हम लोग, आराम से छुप छुप के जाते हैं एंड ऐसा करते हैं इस गमले के पीछे छुप जाते हैं एंड देखते हैं यार ये कर क्या रहे। अरे मजा आ गया यार कसम से, क्या बैंक लूटा है, एक दिन में 50 करोड़ लूट डाले, मजा आ गई रे बाबा। अरे हाँ बॉस मजा आ गई कसम से यार, हम लोग तो रईस हो गए। हाँ रईस हो गए बॉस यार, मजा आ गई। हाँ हाँ मजा आ गई रे बाबा। ला भाई एक और बोतल पी जाए, बहुत मजा आ रहा है। एंड ओके तो गाइस यार ये लोग तो पार्टी शार्टी बना रहे हैं, कार्नेज और इसके सेक्रेटरी तो फुल नशे में है एंड इसीलिए ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सो गाइस सही है ना, ये लोग अभी अपने होश में नहीं होंगे, तो अगर हम लोग इनके पास जाएं और इनको एक हथौड़ा मार दे तो ये लोग हम लोग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये ले साले ये ले, तू भी बेहोश हो जा। ऑलराइट गाइस इसके गुंडों को बेहोश कर दिया हम लोग ने, बढ़िया। ए लॉन्ड्री तुम कौन हो और तुम ये कर क्या रहे हो। कार्नेज जी कुछ भी तो नहीं यार, बस आपके ये नमूनों को थोड़ा पेल रहा था और जरा आपको नंगा करना था, जरा मेरे को अपने बैग से स्पीकर निकालने दो। ऑलराइट ये लो निकाल लिया हम लोग ने अपना स्पीकर एंड अब चलो वाइब्रेटिंग साउंड्स बजाते हैं। सो तुम में से जिनको नहीं पता गाइस यार बेसिकली वेनम और कार्नेज बेसिकली सिम्बियोट से बने होते हैं, वो ग्लू टाइप की चीज से बने रहते हैं। सो अगर हम लोग वाइब्रेटिंग साउंड्स निकालते हैं तो ये इनका ये जो सिम्बियोट होता है वो पगला जाता है एंड वो सिम्बियोट शरीर छोड़ देता है। इसीलिए मैं अपने साथ स्पीकर लेके घूम रहा था तब से बैग के अंदर एंड अब बस यार यूट्यूब से थोड़े वाइब्रेटिंग साउंड्स बजाऊंगा और ये कार्नेज का सिम्बियोट अपना शरीर छोड़ देगा। ला ला ला। अरे लौंडे क्या फालतू बनती बातें कर रहे हो। अरे अभी पता चल जाएगा सर जी, ये लो बस बजा दिया साउंड, ये लो। अरे भैया मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मेरा सर फटा जा रहा है, बहुत ज्यादा फटा जा रहा है। अरे बाबा ये क्या हो रहा है, ये बाबा अरे ये क्या हो गया, मेरा छूत कहाँ गया। अरे ये क्या चक्कर है यार। गाइस यार ये कार्नेज तो एक बच्चा निकला, तो तब से ये बच्चा कार्नेज बनके इतना आतंक मचा रहा था, अपनी गैंग घुमा रहा था, लूटपाट मचा रहा था। भी क्या बे बच्चे तुम कौन हो। अरे भैया मेरा सुपर सूट कहाँ गया। अबे सुपर सूट छोड़ो बेटे, तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है। अरे भैया पापा ऑफिस गए हैं और मम्मी मायके गई है, घर में कोई नहीं था तो हमने सोचा एंजॉयमेंट कर ले। कुछ दिन पहले हमको कार्नेज का सूट मिला था तो बढ़िया एंजॉयमेंट करते थे कार्नेज बनके, लेकिन अब मेरा कार्नेज जहाँ भी गए बेटा वो तुम्हारे हाथ वापस नहीं आने वाला। बेटे पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये सब तुम क्या कर रहे हो, कार्नेज बनके बैंक लूट रहे हो। बेटा मैं बता रहा हूँ, रुको रुको बेटे तुम्हारी फोटो खींच लेता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा की सारी फोटो दिखाऊंगा। अरे नहीं अच्छा मत करो भैया। नहीं नहीं रुको बेटे फोटो खींचता हूँ, ये जो तुम नॉटी हरकतें कर रहे हो ये फोटो दिखनी भी तो चाहिए तुम्हारे मम्मी पापा को। नहीं भैया अच्छा मत करो, पापा मम्मी को पता चल गया तुम मेरी बहुत पिटाई लगाएंगे।
पिटाई लगाओगे नॉटी बॉय, और वो जो तुम वहाँ पे इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स की पिटाई लगा के भाग गए उसका क्या? अरे भैया वो तो हम ऐसे गेम खेल रहे थे। अबे गेम नहीं, उन लोग की अर्थी उड़ गई, वो लोग मर गए। तुम जानते नहीं हो कार्नेज की पावर्स को। सो बेटे मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद अगर तुम्हें वापस से कोई सुपर सूट मिले तो चुपचाप उसको देखना भी मत, उल्टे घूम जाना, अपने चुपचाप स्कूल जाना और स्कूल का होमवर्क करना। ठीक है भैया, नहीं करेंगे आप कभी। हाँ ठीक है, और हाँ ध्यान से ये बोतलें और ये पैसे वगैरह छुपा देना कहीं पे, वरना तुम्हारे मम्मी पापा ने देख ली तो तुम्हारी पिटाई लगा देंगे। अरे हाँ चिंता मत करो, वो सब हटा देंगे। हाँ तो ठीक है बेटा, फिर हम भी चलते हैं। ये गाइस देखो यहाँ पे कार्नेज का सिम्बियोट पड़ा हुआ है ब्लैक ब्लैक, सो गाइस इसी पे खड़े हो जाते हैं, फिर हम लोग को कार्नेज का सिम्बियोट एक्सेप्ट कर लेगा एंड हम लोग बन जाएंगे कार्नेज। सो ये 1 2 3 एंड बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग बन गए सक्सेसफुली कार्नेज। ओ माय गुडनेस। तो चलो सही है दोस्तों, हम लोग को कार्नेज सूट मिल चुका है, अब जरा इसकी पावर्स को ट्राई करके देखते हैं काम भी कर रहे हैं इसकी पावर्स की नहीं। ऑलराइट, तो सबसे पहले थोड़ी सी वेब स्विंगिंग हो जाए जो कि सक्सेसफुली हम लोग कर पा रहे हैं। बढ़िया है दोस्तों, अब हम लोग स्पाइडरमैन एंड वेनम जैसे वेब स्विंगिंग कर सकते हैं, जहां भी हम लोग को जाना है, गाड़ी वाड़ी की जरूरत नहीं है, बढ़िया वेब स्विंगिंग करते करते जाएंगे। लेट्स गो। एंड इसके अलावा गाइज हम लोग के पास अनलिमिटेड पावर आ चुकी होगी, जिसको चाहे उसको पेल सकते हैं, जब चाहे उसको तब पेल सकते हैं। ये देखो अरे वाह, ये देखो पूरी गाड़ी का भरता बना दिया। सो यस, हम लोग के पास पावर सक्सेसफुली आ चुकी है, ट्राई आउट हम लोग ने कर लिया। सो यस, यही थी हमारी जर्नी दोस्तों कार्नेज का सुपर सूट चुराने की। एंड अब गाइस तुम लोग मेरे को बताओ कौन सा सुपर सूट बचा है, किसका सुपर सूट बचा है जिसको हम लोग चुरा सकते हैं। शायद ही अब कोई सुपर हीरो बचा होगा जिसका हम लोग ने सुपर सूट नहीं चुराया हो, अगर बचा है देन मेरे को कमेंट सेक्शन लिख के बता देना। एंड यस, दिस इज वेरी गुड बाय, मिलता हूं तुम सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।